हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। एक समय गुरु शुक्राचार्य ने असुरों के राजा बलि से 100 यज्ञ कराने का अनुष्ठान किया। उनका 100वां यज्ञ यदि पूर्ण हो जाता तो राजा बलि अनंत काल के लिए इंद्र पद पर आसीन हो जाते। राजन, आपको बधाई हो कि आपका 99वां यज्ञ भी पूर्ण हो गया। अब केवल एक यज्ञ रह गया है, यदि वो भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो आपके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसी समय इंद्र पद सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। स्वर्ग पर देवताओं का वर्चस्व सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तब तीनों लोकों में असुरों का एक छत्र राज्य हो जाएगा। गुरुदेव, अवश्य। सृष्टि को इस परिस्थिति से बचाने के लिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने वामन के रूप में धरती पर अवतार लिया। जिस समय राजा बलि 100वें यज्ञ का संकल्प करने जा रहे थे, उसी समय वामन भगवान एक ब्राह्मण बटुक के रूप में दान मांगने के लिए बलि की यज्ञशाला में पधारे। महाराज की जय हो। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा संतुष्ट रह जाए, तब तक यज्ञ ही कैसे आरंभ हो सकता है। जब हमारे राज्य में किसी को भी कुछ भी मांगना शेष न रहे, तभी तो हम यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। राजन, हम आपके द्वार पर एक याचना लेकर आए हैं। हे ब्रह्मचारी, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। गाय, सोना, मणि, माणिक, बड़ा घर, संपत्तियों से भरे हुए गांव, हाथी, घोड़े, रथ,
जो इच्छा हो मांग लीजिए, हम वचन देते हैं आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। हे असुराज, मैं जानता हूँ कि आप सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप ना दे सकते हो। परंतु शास्त्र कहता है कि विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। सो हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। 3 डग भूमि? जी। आपके पैरों से नाप कर 3 डग भूमि? जी। ब्राह्मण कुमार, हम तीनों लोकों के एकमात्र अधिपति हैं। हम सप्तद्वीप नवखंड आपके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। हमसे इतना मांग लो कि जीवन में दोबारा किसी और से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे सामर्थ्य अनुसार मांगो ताकि तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएं। संसार में सब कामनाएं किसकी पूरी होती हैं राजन? मनुष्य जितना पाता है उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। आपके पास सारी धरती है, उससे क्या आपकी कामनाएं तृप्त हो गई है? नहीं, आपको अब स्वर्ग का अधिपति बनने का लोभ है। सो लालसा और लोभ जितना बढ़ाओ उतने ही बढ़ते जाते हैं। सो हे राजन, मैं आपकी दानवीरता का सम्मान करते हुए अपने लिए केवल 3 पग धरती मांगता हूं। अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। तो मंत्रबद्ध होकर दान का संकल्प करिए। राजन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जिन्हें आप सामान्य बटुक कुमार समझकर 3 पग धरती दान करने जा रहे हैं, वो देवताओं का काम बनाने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। ये 3 पग धरती में तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य, राज्य, वैभव सभी कुछ प्राप्त कर लेंगे और इंद्र को दे देंगे। ये दैत्य जाति पर बहुत बड़ा अन्याय होगा और वैसे भी आपको अपनी संपत्ति से केवल 1/5 ही दान करने का अधिकार है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट दे, एक धर्म के लिए, एक यश के लिए और एक धन की अभिवृद्धि के लिए व्यापार में लगा दे, एक भोगों के लिए रखे और एक स्वजनों की सहायता करने में लगाए। विद्वान लोग उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके पश्चात जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। इसलिए ऐसा प्रमाद न करें असुरेश्वर, अन्यथा जिस फल को पाने के लिए मैं आपसे 100 यज्ञ करा रहा हूं, वो सारा फल तो ये ब्राह्मण छल से ले जाएगा। गुरुदेव, एक उदार और करुणाशील मनुष्य किसी अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके यदि दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी शोभा की बात होती है। और यदि यह सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं तो मेरे लिए यह गौरव की बात है। हे महर्षि, वेद विधि के ज्ञाता आप लोग जिन भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तब वो कृपा कर दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? क्षमा करें महर्षि, मैं वटुक ब्राह्मण की इच्छित धरती अवश्य दान करूंगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। परंतु राजन, क्षमा करें महर्षि, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं,
और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब एक ठग की भांति धन के लोभ से इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा। अरे मूर्ख, है तो तू अज्ञानी परंतु स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरा अपमान कर रहा है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। गुरुदेव, मुझे आपका श्राप स्वीकार है परंतु मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो प्रथम पराध्ये श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशत तमे युगे। मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूँ कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित तीन पग धरती दान करता हूँ। ब्राह्मण देवता अपने पैरों से तीन पग धरती नापकर ग्रहण करें।
दैत्यराज बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली। 1 पैर से भूलोक, दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, परंतु अभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। इसलिए 3रा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। नहीं भगवान, मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाता हूं। आप अपना 3रा पैर मेरे सर पर रखिए। महात्मा बलि, तुम सचमुच तृण प्रतिज्ञ हो, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमारी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है, अतः हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। सावर्णी मनवंतर में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सुतल लोक में अपने दादा महाराज प्रह्लाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करोगे। तुम मुझे वहां सदा सर्वदा पास ही देखोगे। गुरुदेव, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो चाहें तो केवल संकल्प मात्र से ही दुष्टों का नाश कर सकते हैं, फिर उन्हें इस प्रकार धरती पर स्वयं आने की क्या आवश्यकता है। तुमने सत्य ही कहा कि भगवान पूर्ण शक्तिशाली है, वो चाहें तो केवल संकल्प मात्र से ही समस्त दुष्टों का नाश कर सकते हैं, फिर भी वो धर्म की रक्षा और अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए स्वयं धरती पर क्यों पधारते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है। इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि उनकी इन लीलाओं को देखकर संसार के हर प्राणी के दिल में ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उसका कोई रखवाला है जो उसे हर संकट से बचा सकता है। यही विश्वास प्राणी को अपने धर्म पर दृढ़ रहने की शक्ति देता है। यही है भगवान की अवतार लीला का मुख्य उद्देश्य और यही है उनकी लीलाओं को सुनने सुनाने का मुख्य प्रयोजन। अब तक मैंने तुम्हें भगवान के जिन अवतारों की कथा सुनाई है वे प्रायः आवेशावतार थे। वे 10 और 11 कलाओं से सुशोभित थे। आज मैं तुम्हें भगवान के रामावतार की कथा सुनाऊंगा जो 12 कलाओं से सुशोभित थे।
इस अवतार की विशेषता यह है कि रामावतार की लीला में भगवान ने एक संपूर्ण मानव जीवन का आदर्श स्थापित किया। जिस समय श्री राम का अवतार हुआ उसी काल में श्री परशुराम जी भी इस धरती पर उपस्थित थे। दो अवतारों का एक साथ धरती पर होना भी उस काल की विशेषता थी। परंतु पुराणों और इतिहास के अनुसार जब परशुराम जी का सामना श्री राम से हुआ तो परशुराम जी का अवतार काल समाप्त हो गया। परशुराम, एक प्रकार से श्री परशुराम जी को भी आवेश अवतार ही कहा जा सकता है। उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, परंतु जब जनक के दरबार में श्री राम जी से उनका सामना हुआ तो परशुराम जी ने केवल इतना ही कहा, राम ये धनुष है, ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। राम रमापति कर धन ले उस समय जब श्री राम के रूप में उन्हें चतुर्भुज भगवान के दर्शन हुए तो वे जान गए कि उनका अवतार काल समाप्त हो गया है। सो वे उसी क्षण उन्हें अपना धनुष देकर तपस्या के लिए चले गए। आज मैं तुम्हें भगवान के रामावतार की कथा सुनाऊंगा। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। ये बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वो अवश्य सफल होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख समृद्धि कीर्ति सब कुछ है, परंतु एक ही कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए हैं, क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला कोई ना होगा? महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता सूर्य भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, यही पुकार है, सूर्यवंश का सूर्य दशरथ के साथ ही अस्त ना हो जाए। आप निराश ना हो, सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव, उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। परंतु देवी, हम वो यज्ञ नहीं करा सकते। आप नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषिशृंग मुनि इसके विशेषज्ञ हैं। ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना चाहिए। तो फिर उन्हें बुलवाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। नहीं देवी कैकेयी, उसके लिए तो महाराज को स्वयं उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुदेव, मैं आज ही उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ।
मैं अभी आर्य सुमंत्र को बुलवाकर कहती हूँ कि वो सेनापति को आदेश दे कि महाराज के साथ जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना तुरंत तैयार की जाए। महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। नहीं देवी कैकेयी, वहाँ रथ, हाथी, घोड़े, सेना की आवश्यकता नहीं। महाराज एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य और पराक्रम दिखाने नहीं जा रहे। देवी, भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। एक महात्मा के पास अपना वैभव दिखाने जाओगे तो सोने चांदी की चमक दमक और अहंकार ही लेकर आओगे। आपने सत्य कहा गुरुदेव, ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी मनोकामना सफल होगी राजन। तथास्तु कहा फिर यज्ञ कर्म शुभ साजा। बधाई हो महाराज।
महाराज, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम केवल दो अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। मेरे राम। सारं पुरस्तात् आयुष्मग्वं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलुमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यात् सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्वं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलुमस्तु तेजः। भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी किसी के घर नहीं रुकते। वत्स, गुरु आश्रम में चलो। गुरुदेव, बाहर रथ तैयार है। देवी, विद्या का व्रत लेकर बटुक ब्रह्मचारी के लिए सवारी वर्जित है। कल्याण मस्त, चलो। वशिष्ठ ने सबसे पहले उन्हें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास और व्यायाम करना सिखाया। गुरुकुल की शिक्षा यही, सब हो एक समान। प्रथम धर्म तो कर्म है, जीवन कर्म प्रधान। ललित करे नव भोर वंदना सूर्य बिखेर
इस प्रकार समस्त भौतिक विद्याएं प्राप्त करते करते जब चारों भाई बड़े हो गए तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें योग वेदांत और शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान प्रदान करना आरंभ किया। वंदना वैज्ञानिक भी है आध्यात्मिक भी। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन में प्रकाश आता है और जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ती है। यही समय योग साधना के लिए भी उत्तम होता है। योग क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोधा, मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। वही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है, वही पाप और पुण्य का कर्ता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है गुरुदेव? किसी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, उससे प्रेम करना, यही पुण्य है, यही धर्म है। और किसी को पीड़ा देना, किसी का मन दुखाना, यही अधर्म है, यही पाप है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। इन्हीं पाप पुण्यों में घिरा हुआ जीव एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता, मरता और फिर जन्म लेता रहता है। ये जन्म लेना क्या होता है गुरुदेव? मरण? गुरुदेव, ये मरण क्या होता है? प्राणी जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं, और उस शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाता है तो उसे मरण कहते हैं। असल में केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीवात्मा है। हम सब जीवात्मा ज्योति कणों की तरह समय की अनंत लहरों पर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। असल में हर जीवात्मा इस अनंत पथ पर अकेली ही सफर करती है। रास्ते में द्वीपों की तरह कई धरतियां, कई लोक आते हैं, जहां हम जन्म लेते हैं, जहां जन्म लेकर हम दूसरे जीवों के साथ मिलने बिछड़ने, दोस्ती दुश्मनी का खेल खेलते हैं। फिर एक दिन वहां का शरीर भी छोड़कर हम समय की लहरों पर फिर से अकेले ही आगे चल देते हैं। बिछड़ने वालों का मोह थोड़ी दूर तक पीछा करता है, परंतु जीव तो नए नए रूप धारण कर लेता है। नया जन्म होने तक वो कई नए नए लोकों के बीच नए नए रूपों में अकेला ही भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। इसका अंत कहां है? अंत केवल मुक्ति में है, और मनुष्य मुक्ति तभी पा सकता है जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही जंजीरें हैं, एक लोहे की एक सोने की। परंतु जब तक जिएगा कर्म तो करेगा ही, वह कर्म या तो पाप होगा या पुण्य होगा, फिर प्राणी कैसे छूटेगा माया के इस बंधन से?
तुमने ठीक कहा राम, कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु जब कर्म निष्काम कर्म हो जाता है, फल की इच्छा से रहित हो जाता है, तो जीव कर्म फल से मुक्त हो जाता है। इसके दो ही सरल तरीके हैं, एक भक्ति और दूसरा साक्षी भाव का अभ्यास करना, अर्थात कर्ता का अहंकार छोड़ना, कर्ता होते हुए भी दृष्टा हो जाना। कर्ता होते हुए दृष्टा कैसे हो सकता है गुरुदेव? मेरे पास आओ, मैं बताता हूं। राम, अब अपने अंतर्मन को इस शरीर से बाहर निकालकर आओ मेरे साथ। अब यहां से देखो, अहंकार और माया का संसार। एक गुरु है वशिष्ठ, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और अपने शिष्यों पर अपनी विद्वत्ता का सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है। परंतु वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यादान तो पुण्य है। पुण्य है, परंतु पुण्य में भी एक डर है। यह अहंकार पैदा कर सकता है, जिससे बचना चाहिए। उधर देखो उन बच्चों को। ये अभी साथ पढ़ रहे थे, अभी लड़ रहे हैं। इन्हें इनका अहंकार लड़ा रहा है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप को दूसरे बच्चे से अधिक बुद्धिमान समझता है। यही हाल बड़े लोगों का है। जब मनुष्य इसी तरह से साक्षी भाव से अपने कर्मों को देखता है, तो उसमें अहंकार की भावना पैदा नहीं होती, विनम्रता आती है। इसीलिए कहा है, विद्या ददाति विनयम। सच्ची विद्या विनय प्रदान करती है। उसी विनय से जीव भक्ति पाता है, और जो भक्ति पा लेता है, उसे और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वो जहां बैठता है वही तीर्थ स्थान बन जाता है, जो कहता है वही शास्त्र हो जाता है। राम, आज इतना ही। आज महाशिवरात्रि, भगवान की पूजा करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम् पुनानुवादम् तत् प्रेरणाहं करोमि, मम भावगीतम् हृदयस्य प्रीतम् त्वद् पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा